जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया था काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पियर्सन से, ठीक है। क्लास एट्थ का जो पियर्सन है उसमें ऐसे काइनेमेटिक्स नाम का कोई चैप्टर आपके सिलेबस में क्लास एट्थ में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़रूरी है इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, और ये लॉकडाउन का केस है जानते ही हैं, तो आप जितना पढ़ लें उतना अच्छा है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लेवल थ्री और लेवल टू हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे लेवल वन। लेवल वन के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अगर खुद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, मैं इसीलिए करा दे रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट जो आपके पीछे के जो थ्योरीज हैं वो क्या हो जाए, रिकैप हो जाए, फॉर दैट मैं कर रहा हूँ। ओके, सीधे हम लोग शुरू करते हैं लेवल वन के क्वेश्चन, और जानते ही हैं हम बहुत उल्टा आदमी हैं, उल्टा इन द सेंस कि हम क्वेश्चन उल्टी तरफ से करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग सीधे पहुँचते हैं, ये लेवल वन का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे और भी किताबें, ये हमारा फिफ्थ एडिशन है, शायद सिक्स्थ एडिशन की किताब है, 45 पेज नंबर 2.22 में आप आ सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ा के सुनाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। ओके, अ बस ट्रेवल्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई बात नहीं है, एक बस है जो 1/3, ये है आप टोटल डिस्टेंस, मान लो मैंने एक्स लिया, 1/3 का मतलब क्या हो गया, एक्स बटे तीन, इधर कितना होगा 2x/3, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। मतलब क्या, 1/3 क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। अ बस ट्रेवल्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, दैट इज यहाँ पे जो चल रहा है वो कितना किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर, ए से कहाँ तक, बी तक, फिर बी से कहाँ तक जाएगा, सी तक। ओके, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं, एवरेज में आप लोग ऐसा ना करें कि 12 और 20 जोड़ दें, 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। कोई लिखता है 12 + 20/2 क्या हो जाएगा, 20 × 12 = 32/2 16 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन क्या क्या बताइए, 14, 20, 12, 16, आप लोग सीधे क्या टिक मारिएगा, 16, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत, क्योंकि एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का मतलब मैंने बार बार कहा, यहाँ एवरेज का मतलब मीन नहीं है, एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो आप ख्याल में रखें कि आपको डिस्टेंस अलग से निकालना है, टाइम अलग से निकालना है, तो टोटल जो डिस्टेंस है, यहां से आप घर गए 30 किलोमीटर, उसके बाद फिर आपको लगा 1 घंटा, तो कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। आप कभी रुके होंगे, आपकी स्पीड कभी कम हुई होगी, कभी ज्यादा हुई होगी, मेरी बात समझ आ रही है। तो ऐसा ना समझें जैसे आपको 1 घंटा लगा और आपकी स्पीड आधी, आपने क्या किया, आधी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने 10 किलोमीटर पर आवर में, और आधी किया आपने 50 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, 10, 50, 60, 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका टोटल अगर मान लेते हैं 60 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर इधर है और 30 किलोमीटर इधर है, तो कुछ और निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 + 30 टाइम, कुछ और निकल के आएगा। अब इतना जान लें, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है आपका, एवरेज स्पीड। ये अभी ध्यान में रखें, आप पुखला जाइएगा ज़्यादा मैं बताऊंगा, तो आप कितना याद रखिएगा, एवरेज को कभी भी जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, जोड़ के 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। उसके लिए करेंगे क्या, स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। ये 3 फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है, कैसे करेंगे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है, 1/3, और ये 12 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम कितना निकलेगा यहाँ पे बताइए, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 1/3/12, दैट इज 1/36, यहाँ पे कितना निकलेगा टाइम, 2x/3/20, तो ये होगा 2x/20 = 60, दैट इज 1/30। तो अब क्या करेंगे बताइए, हमने क्या बोला कि जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 + 2x/3, x ही आएगा वैसे, पूरा लिख रहा हूं, बटे टाइम कितना लगा पहले, 1/36, दूसरे में कितना लगा, 1/30, ऊपर क्या होगा 2x, 3x/3, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, और ये क्या हो जाएगा नीचे, 36 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 2, 18, 15, 3, 6, 3, 5, 15, 3, 2, 6, 56, 30, 90, 180, 36 कितना, 5x + 6x क्या हो जाएगा, 3x/3 × 180/5x, 6x क्या हो जाएगा, 11x,
तीन तीन कैंसिल, तो ये हो जाए एक्स एक्स कैंसिल, ये लगभग कितना हो जाएगा 11 के 11, 7 जीरो 11 छः के 66, 4 जीरो लगभग 16.4, तो आपका आंसर आएगा लगभग में 16.4, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके आंसर के 16 ही आप टिक मारिएगा, बट 16 नहीं है एक्चुअल आंसर, आप यही लिखिए, आप छोड़ दें ऑप्शन को, ये आंसर होगा। ये भी मत लिखिए, आप लिखिए 180/11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अभी दिमाग नहीं लगाना, आपको ये सीखना है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, बिल्कुल दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड नहीं कीजिएगा, वो तब होता है जब टाइम टेकन सेम होता है, मैंने कुछ स्पेशल केस बताया है, आप अच्छे से नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चले फोर्टी फोर में आइए, बुक अगर है तो, नहीं तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में देख लीजिए, वहां पे मैंने डाल दिया। चलिए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 गिवन है, अ बस मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई बात नहीं है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस 80 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है तो इसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, तो 44 मैंने क्या बोला, 44 में गिवन है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या गिवन है बताइए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये चूंकि चेंज नहीं होगा, हर एक इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी सेम हो गई, मतलब ये कि मैं ये कह रहा हूं यूनिफॉर्म का मतलब ये कि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये टी बराबर जीरो में हो, टी बराबर वन में हो, टी बराबर टू में, इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन है 70 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 180 जीरो, क्या आंसर होगा, जीरो बहुत लोग टिक मार देंगे, नहीं 80 आंसर होगा, वाई, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आप जिस टाइम की भी बात करें वो उतनी ही चल रही है, अगर ये जीरो होती शुरू में, टी बराबर जीरो में, क्वेश्चन ने बोला टी बराबर जीरो में कितना होगा वेलोसिटी, ये ना बोला है, तो टी बराबर जीरो में अगर इसका जीरो होता और 80 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो बढ़ गई ना, मतलब चेंज हो गई। व्हाट डज यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन, कि उसका हर एक इंस्टेंट में जो वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ तो गिवन है, तो वेलोसिटी टी बराबर जीरो, टी बराबर वन और टी बराबर टू में ये बदलने वाला नहीं है, टी बराबर जीरो में ऐसा कुछ नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, टी बराबर जीरो में वेलोसिटी शुरू में अगर, मतलब गाड़ी जब हमने जब कैलकुलेट करना शुरू किया, हमने जब देखना शुरू किया गाड़ी को, वो हम टाइम का वैल्यू जीरो माने, उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी उतनी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, जब तक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जब तक हम अपने हिसाब से देख रहे हैं उसको, तो उसकी स्पीड में कोई बदलाव और स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है वो, तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आने का मतलब है एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप समझ रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हर एक इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी सेम होगी, जो भी चीज यूनिफॉर्म है तो उसका हर एक इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये लिख लें, खत्म बात। 43 में आते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। 43, द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या देता है, मतलब कौन किसका यूनिट देता है क्वेश्चन में, नंबर वन टाइम, नंबर दो फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है आप ये शायद पहली बार सुने होंगे, ये सुने हो तो अच्छी बात है, एम्पलीट्यूड, ये भी आप पहली बार सुने होंगे शायद, चार स्पीड, अभी एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस की बात हम मानेंगे, अभी हम क्या मानेंगे, देखिए एक्सेलरेशन यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड बताया गया शायद, तो मीटर बाई सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड बाई मीटर, सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, क्या आएगा 1/सेकंड, मेरी बात समझ आ रही है, उतारें इसको फिर मैं बता रहा हूं, तो 1/सेकंड का क्या मतलब है, 1/सेकंड आप जानते ही होंगे कि आप सुने होंगे ना कि टी सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो एक में कितना होगा 1/टी, मतलब एक सेकंड में कितना ज्यादा ऑसिलेशन हो रहा है, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं,
अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे करने को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, वन ओवर टी। तो वन ओवर टी को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक बटे सेकंड इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। टाइम का सेकंड होता है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड का बहुत कुछ अभी बता नहीं रहे, वैसे आप लोग अभी मीटर माने, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो किसका ये यूनिट आया? फ्रीक्वेंसी का यूनिट आया। उतार लें, चलिए 43 हो गया। आसान क्वेश्चन है ना, आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। 42 में बोला है कि अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड ट्रेवल्स अलोंग अ पाथ पी क्यू आर पी। ये आपका है पी क्यू आर, फिर पी में पहुंच गया। ये 4 मीटर है, इसको लग रहा है 20 सेकेंड, उसके बाद 3 मीटर, इसको लग रहा है 10 सेकेंड यहाँ पे, और यहाँ पे 30 सेकेंड लग रहा है, लेकिन यहाँ बोला नहीं है। तो बताइए, ये अगर ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देन द स्पीड ऑफ द पर्सन इज पी क्यू आर पी में चल रहा है, तो ये निकल जाएगा ना, ये 3 है ये 4 है, ये कितना निकलेगा? 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 25 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 मीटर। खुद कर सकते हैं ये, बोला 4 × 16 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5 आएगा, सिंपल। तो अब डिस्टेंस कितना कवर होगा बताइए? डिस्टेंस कवर्ड 4 × 3 = 7, 4 + 3 + 5, 5 × 3 = 8, 4 12 मीटर। टाइम सेकंड कितना होगा बताइए? 20 + 10 + 30, 30 × 40 = 60 सेकंड। तो इतना लग रहा है, बोला है कि स्पीड ऑफ द पर्सन, मतलब एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड 12, टाइम कितना? 60 सेकंड, 1/5 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड। डन, करें नोट डाउन। ऑप्शन में गिवन है 0.2, आप उसको उतार लीजिए। मुझे क्वेश्चन बना के देना है, मैं दे रहा हूं। ओके, ठीक। फोर्टी वन में आ जाइए। 41 बोला, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेट्स 100 times in 50 seconds इफ द लेंथ लिख दिया, वो लेंथ है। If the length of its wing from its axis of rotation is 0.5 meter, then the speed of the particle at the edge of the wing is, मतलब ये कहना चाह रहे, एज मतलब सबसे लास्ट में, ये आपका फैन है, फैन का लेंथ दिया हुआ है कितना? 0.5 meter, और ये घूम रहा है इस तरह से, ये उसका एज है। सब ये पूरा 0.5, ये पूरा घूमेगा तो क्या होगा? 2πr, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेट 100 times in 50 seconds, तो 50 सेकेंड में 100 times घूम रहा है, ठीक है। तो एक टाइम में कितना हो जाएगा? 50/100 सेकंड लगेगा, दैट इज 1/2 सेकंड एक टाइम में। उल्टा में कर दिया आप, कर लीजिएगा, तो एक पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr। कितना कवर करेगा? 2πr। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो स्पीड मतलब एवरेज स्पीड की बात हो रही है, ये क्या होगा? टोटल घूमेगा तो 2πr, और टाइम कितना लगेगा? 1/2 सेकेंड, दैट इज 0.5 सेकेंड, 0.5 भी लिखता हूँ अभी। तो क्या हो जाएगा? 2 × π × 0.5/0.5, ये कैंसिल हो गया, 2π m/s। आई थिंक समझ आ रहा है, बहुत ईजी है। एक बार चक्कर लगाएगा तो क्या होगा? 2πr होगा ना, और टाइम कितना लगा? 100 टाइम में 50 सेकेंड लगा, तो एक बार घूमने में कितना लगा? 50/100, हाफ सेकेंड। तो एक बार में टाइम लगा 0.5 सेकेंड, एक बार में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr। और डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो है वही क्या है? हमारा स्पीड है, एक्चुअली एवरेज स्पीड है। नोट डाउन करें, ये सब में क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है? स्पीड कांस्टेंट रहता है ऐसे केस में, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक। उसके बाद 40 में आइए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 2 m/s, if the average speed of the body is 3 m/s, the speed of the body when it travels the remaining distance is, इसको दो तरीके से बताएंगे, मैं पहले दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 2 m/s, दैट इज दो, यहां पे ले ले ए से बी, बी से जी, फर्स्ट हाफ। ये अगर टोटल एक्स है तो ये क्या होगा? x/2, ये क्या होगा? x/2, या इसको 2x भी मान सकते हैं, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको और आसान कर दे रहा हूँ, ये 2x मान लूंगा तो ये क्या होगा x और ये क्या होगा x, आप जैसे चाहें कर सकते हैं, ये आसान वाला कर दिया। ये 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है फर्स्ट हाफ, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ कितना होगा ये मांगा है, यहाँ स्पीड कितनी होगी और पूरा एवरेज कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, आप बात समझ पा रहे होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। मेरी बात समझ आ रही है, ये सारी बातें। तो अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे तो क्या है डिस्टेंस गिवन है, ये यहाँ पे टाइम निकल सकता है, टाइम कितना निकल के आएगा बताइए, ये तो एवरेज स्पीड पूरा गिवन है कितना 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ टाइम कितना निकल जाएगा इस फॉर्मूले का, डिस्टेंस बाई स्पीड एक्स बाई दो, यहाँ टाइम कितना निकलेगा एक्स ओवर वी, और एवरेज स्पीड कितनी गिवन है टोटल की 3 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स, टोटल टाइम एक्स बटे दो प्लस एक्स बटे वी, और ये कितना एवरेज स्पीड 3 एक्स एक्स 2x, x कॉमन 1 बटे दो प्लस 1 बटे वी, एक्स एक्स कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बटे दो प्लस 3 बटे वी बराबर 2। इसको सॉल्व करना है 3 बटे वी बराबर 2 माइनस 3 ओवर 2, 3 ओवर वी इज इक्वल, दोनों 4 में 3 गया तो क्या हो जाएगा वी 1, वी बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज शुरू में आधा डिस्टेंस कितना कवर किया वो 2 मीटर पर सेकंड में, दूसरा आधा डिस्टेंस अगर 6 मीटर पर सेकंड में कवर करेगा तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 3 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, एवरेज का मतलब टोटल और टोटल का रेशियो, याद रहे ये दो जोड़ के दो से डिवाइड करने वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हैं, आपको एग्जाम्पल लेके बता भी दिया जाएगा कभी। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था रेडीमेड, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, उसमें अगर डिस्टेंसेस सेम हो तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो तो है ही, एवरेज स्पीड निकलता है 2v1v2 और v1 प्लस v2। क्या बताया था मैं, 2v1v2 और v1, अगर डिस्टेंसेस सेम हो तो यहाँ पे कितना था 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ v क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताया गया था 2v1v2 और v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड कितना गिवन है टोटल 3, 2v1 कितना है 2, v2 कितना है v मान लिए, ये होगा 2 प्लस v, इसको सॉल्व करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा 3 दुना 6 प्लस 3v इज इक्वल टू 4v, 4v में 3v गया v बराबर 6 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी। चलें, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा है ना, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल्स करा दे रहा हूँ। 13 वाला पर्सन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिपेंड कर रहा है शोन इन फिगर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज, एवरेज स्पीड बोला है तो ग्राफ है कुछ इस तरह का 39 में, ग्राफ से कैसे आप बनाइएगा, ये एक्स है, ये कुछ इस तरह से ग्राफ है, लास्ट वाला मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये है आपका 12 मीटर और ये कितना है 16 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ कैसा भी ग्राफ है लेकिन हमें यह देखना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 12, टोटल टाइम कितना किया 16 सेकंड, खत्म। तो एवरेज स्पीड में कुछ देखना नहीं है कि क्या हो रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा 16 सेकंड, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, सिंपल सा है, आपको बीच में नहीं देखना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 12 मीटर, कितना टाइम लगाया 16 सेकंड, खत्म। 38 क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है बोलिए, 38 में कहा है कि द एसटी ग्राफ ऑफ बॉडी इज शोन इन फिगर, द टाइम फॉर विच द बॉडी इज इन मोशन, तो एसटी ग्राफ है मोशन में कब कब रहेगा, इस तरह से गिवन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ 0 है। ठीक है, तो मोशन में कब रहेगा बताइए, द टाइम फॉर विच, कितना टाइम 3 सेकंड इधर 3 सेकंड इधर, कितना सेकंड हो गया 6 सेकंड, अरे इधर मोशन इधर डिस्टेंस है, वैसे एस टी ग्राफ ऐसे और ये टी, तो इधर क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, इधर टाइम लग रहा है, तो जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो यहां से लेकर यहां तक क्या है रेस्ट में, और यहाँ किस में मोशन में, यहाँ पे याद रहे ग्राफ से आप जस्ट मोशन में नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा ग्राफ किसका, एस टी ग्राफ है, ये पोजीशन है और ये टाइम है, तो टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है पोजीशन, यहाँ टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है रेस्ट में, यहाँ टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन जब जब चेंज होगा तब तक किस में रहेगा मोशन में, जैसे 0 से 3 में मोशन में और 7 से 10 में मोशन है, तो कितने सेकंड्स के लिए मोशन में 6 सेकंड्स के लिए, तो ऑप्शन में क्या होगा 6 आंसर होगा, समझे। उतार लें,
अब एक अच्छा क्वेश्चन है 37, एसर्शन एंड रीजन बोलते हैं इसको। एसर्शन क्या गिवन है, ये गिवन है अ बॉडी मे हैव वेलोसिटी, अ बॉडी मे हैव वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शंस। रीजन क्या है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ टाइम, बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा होता है, नंबर वन दिया ए एंड आर, एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा बोला ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। थर्ड बोला ए एंड ए इज करेक्ट, ए करेक्ट और आर इनकरेक्ट। चार बोले है ए एंड आर इनकरेक्ट, तो ये आपको क्या होगा ये बताना है, ठीक है। इसमें देखिए बॉडी मे हैव, बात क्या है कि जब पोजीशन चेंज होता है, जैसे मैं बोलूं कि ये देखिए ये है 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, 4 मीटर से 6 मीटर की तरफ गया, तो ये 4 से 6 की तरफ क्या चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, क्या चेंज किया। और जब पोजीशन चेंज करता है तो ये 6 मीटर माइनस 4 मीटर 2 मीटर, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में, पोजीशन के चेंज से आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम टेकन से, तो क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो मैं ये कह रहा हूं एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताइए, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन बटे टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटे टाइम टेकन। तो ये जो आएगा, ये अगर पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही अभी आपको डिसाइड करने देगा, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे हैं, तो वो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा या अलग होगा। तो पोजीशन का चेंज जिस डायरेक्शन में होगा उधर ही क्या होगा, मोशन का डायरेक्शन, उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का। आप इतना ख्याल रखें, जिधर पोजीशन का चेंज होगा, मैंने बताया पिछले लेक्चर में, है ना, तो क्या होगा बताइए, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जिधर पोजीशन चेंज हो रहा है उधर ही मोशन है, उधर ही वेलोसिटी है। हाँ, फोर्स उधर नहीं लग सकता है, ये मैंने बताया शायद, ठीक है। जैसे मैं आप एग्जांपल देके बताना पड़ेगा, जैसे एक बॉडी है 0, -1, -2, -3, -3 से 0 की तरफ आया, तो बताइए पोजीशन तो निगेटिव है, पोजिशन जो है -3, -2, -1 ये निगेटिव है, लेकिन ये निगेटिव से किधर है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है ना, तो इधर ही मोशन है, इधर ही वेलोसिटी है। तो बताइए फाइनल कितना हुआ, 0, इनिशियल कितना है, -3, तो आया कितना डिस्प्लेसमेंट, +3, और वेलोसिटी क्या होगा, 3, टाइम मान लो 3 सेकंड लगा, 3 मीटर बटे 3 सेकंड क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। हम ये कह रहे हैं पीछे के लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा कि वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या, पोजीशन का चेंज, और जिस डायरेक्शन में पोजीशन का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में आपका मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। हाँ, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ये जरूरी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, ये तो सही। ये बॉडी मे है, मे नहीं, मस्ट है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, अपोजिट डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं। और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी गलत, ये भी गलत है। 4 ऑप्शन सही होगा, चौथा पता नहीं, इसमें और डिस्कशन नहीं कर सकते। आपको समझना है तो पीछे के लेक्चर्स को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, में क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन तब भी पहले सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर आप उसको मिलाने की कोशिश आप कीजिएगा। द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स टू डिक्रीज इज वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियली कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, वी कितना है बताइए, फाइनली ब्रेक लगा के 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। इफ द रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक इज 2 मीटर पर, एक्सेलरेशन मतलब है -2 मीटर हर एक सेकंड में, इसकी स्पीड कितनी घट रही है, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर पर आवर निकालने का मैं तरीका बताया था, फिर जान लो 1000 मीटर बटे 60 मिनट गुना 60 सेकंड, तब सेकंड में आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या पीछे के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। 54 गुना क्या होगा, 5/18, 18 + 54, 15 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो जाएगा, 36 गुना 5/18, 18 × 36 कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हुआ, हर एक सेकंड में कितना घटा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड घटा रहा है। तो 15 से 10 होने में
पहली बार कितना 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर 11 मीटर पर सेकंड, फिर आधे सेकंड में घट जाएगा, मतलब 2.5 सेकंड लगेगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कितना सेकंड लग रहा होगा? 2.5 सेकंड। ठीक है, तो इसमें निकालना है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as आपको इस्तेमाल करना है। यहां से निकल जाएगा v कितना है बताइए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि पहले क्या, ये आपको ऑप्शन में देख के करना, मैं उसको बता नहीं रहा। v कितना मैं बता ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर 10 स्क्वायर माइनस यू कितना 15 स्क्वायर, 2a कितना माइनस 2, s निकल जाएगा यहाँ से 100 माइनस 225 माइनस 4s, ये होगा -125 बराबर -4s, तो s बराबर हो जाएगा, टाइम नहीं मांगा, ये मांगा 4 × 12 = 4 31.25 मीटर। ओके, मतलब ब्रेक लगाने के बाद जो 15 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 31.25 मीटर। ओके, अब आपको उसको अरेंज कर लेना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर टू शो द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आप खुद करें, ये मैं नहीं कर रहा। इफ इसको उतार लें, 36, 35 खुद करें, 34 इफ स्पोर्ट्स कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स, बहुत सिंपल है, जब भी एक्सेलरेट कर रहा है स्पोर्ट्स कार, रेस से शुरू कर रहा है, दैट इज 34, सिंपल सी बात है, जो ही बोले कि रेस से शुरू हो रहा है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू बराबर जीरो। बोला है कि रेस एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, दैट इज सीधे 144 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन लिखा हुआ होगा कितने टाइम में हुआ होगा, इन 5 सेकंड लिखा हुआ है, 5 सेकंड में, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 144 × 5/18, 9 × 18 = 9, 9 × 54 = 2, 8 = 16, कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 मीटर पर सेकंड। ये बार बार बताया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो स्पीड फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस एटी बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, बहुत सारे फॉर्मूला है, v बराबर क्या होता है u प्लस एटी, पहले देख लेते हैं चेक करके, तो v कितना है हमारा, v है 40, u कितना है 0, a नहीं पता, टाइम गिवन है तो a निकल जाएगा यहां से, तो v कितना है बताइए, डिस्टेंस मांगा है, ऑप्शन है 140, 160, 80, समझे, तो v कितना हो गया हमारा, v है 40, u कितना है 0, a कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 5, आपको पुट करना आना चाहिए, 40 बराबर 5 है, तो ए कितना होगा 40/5 कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस हर एक सेकंड में उसकी स्पीड जो बढ़ रही है वो 8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ मान के बात कर रहे हैं, मतलब जीरो से कितना हुआ 40 मीटर पर सेकंड हो गया, हर एक सेकंड में कितना बढ़ रहा है 8, तो इसको 5 सेकंड लगा होगा, लगा है 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा, 0 से 8 मीटर पर सेकंड 16 हुआ, फिर कितना हुआ 24 हुआ, फिर कितना हुआ 32 हुआ, 40, तो 5 सेकंड में हो गया। अब एस निकालना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, U तो 0, टाइम कितना 5, लिखने की जरूरत नहीं थी, हाफ ए कितना 8, टाइम कितना लगा 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 + 2 × 8, 5 × 25 = 100, कितना मीटर निकल गया है 100 मीटर। ओके, मैं सारा फास्ट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं जाके सेटिंग में उसको 0.25 या 0.5 में देख सकते हैं। ओके, चलिए 34 हो गया, 33 अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड कैचेस इट आफ्टर 2 सेकंड्स। देखिए ये भी होता है ऐसा फिजिक्स में कि बॉल फेंकी 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 होते रहते हैं। ठीक है, बॉल को फेंकते हैं, बोलेगा बॉय 33 लिख तो ले, अब बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड कैचेस इट आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद वो पकड़ पा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे फेंका और 2 सेकंड के बाद वो यहां पे कैच पकड़ा। ओके, Which of the following is true regarding the motion of the ball? The displacement is zero. वापस वहीं आ गया, तो displacement zero. बहुत सही. Magnitude of acceleration is constant. Acceleration constant रहता है इस केस में. याद रहे कि अर्थ जो उसको attract करती है उसमें approximately मानते हैं कि उसकी velocity का जो change होने का जो rate है वो constant रहता है. मतलब acceleration constant रहता है. मतलब रहता है. ठीक है. Only is true गलत. Only B is true. Both A and B are true कर लीजिएगा. Speedometer हर एक instant की speed को measure करता है. याद रहे. Speedometer average speed को measure नहीं करता है कि आप घर गए 30 किलोमीटर घर गए एक घंटा लगा अचानक speedometer बताया 30 किलोमीटर पर आवर में आप चले. ऐसा नहीं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन हर एक इंस्टेंट में उस इंस्टेंट में कितनी स्पीड है आपकी गाड़ी की वो उस वक्त बताता है, दैट इज एवरेज स्पीडोमीटर बताता है किसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, किसको बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ओके, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द कर्व एबीसी, 31 ऐसे चल रहा है। ठीक है, ए बी सी इसमें बोला है, एंड फाइनली ए एंड सी,
ए और सी फाइनल पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट इज लाइन ज्वाइनिंग, क्या होगा ए से सी डायरेक्टली होगा ना डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, मिड पॉइंट बी एंड फाइनल, गलत बात है, ये होगा बोथ टू एंड थ्री, मिड पॉइंट बी एंड फाइनल पोजिशन, मिड पॉइंट बी एंड क्या होगा इनिशियल और फाइनल, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा शुरू और लास्ट वाला जो डायरेक्टली मिलेंगे वही होगा, तो फर्स्ट आंसर होगा। जो भी आपको बात समझ आ गई होगी, लेवल वन की बात कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं ये सिंपल सी बात है, ऐसे गया वो यहां से शुरू किया या खत्म किया, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इनिशियल और फाइनल का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा, ये नहीं कि बीच वाला और यहां का, मेरी बात समझ आ रही है। तो बात खत्म हो गई, और भी कुछ बातें हैं लेवल वन में, और भी क्वेश्चन है जो इजी है, मैं उसको देने की कोशिश करूंगा ना कहां पे ग्रुप में, अब उसको बनाने की कोशिश करें, मैं जितना सारा हुआ मैं कर दिया, अब आपके लिए वो होमवर्क है, और अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो लेवल वन के लिए फिर लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच।